कलंक का टीका लगा दिया। कोई हाजिर है? महाराज, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। जाओ। ए भैया, उसे बुला के लाओ। जुआ क्या महाराज? किसको? जिसको हक है। बताओ महाराज, किसको बुलाना है? उसी जाति को, उसी सन्यासी को, उसी भक्त को जो झूठा बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। जाके कहना। कहो महाराज। जिसे पूरन मल कहते हैं। ठीक है महाराज, उसे जाके कहना कि भरे दरबार में पिता ने नहीं, एक राजा ने बुलाया है। ठीक है महाराज। जो ठीक है महाराज। भैया पूरन, कहो द्वारपाल। भैया पुराण। हाँ, उनने बुलाया तो पिताजी ने है। अगर ये कहा है कि पुराण से कहना महाराज ने भरे दरबार में एक राजा ने बुलाया है, तो आपको आपके पिताजी याद करते हैं। भैया पहुंचो। पिताजी प्रणाम। कहती हुई शर्म नहीं आई? होते ही मर जाता तो अच्छा। तूने हमारे कुल में दाग लगा दिया, हमारे कुल में कलंक का टीका लगा दिया। एक समय वो था कि मुझे कोई औलाद पैदा नहीं होती थी, तो मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा कर कर दुनिया की खाक छान छान कर तुझे भीख में मांगा कि मालिक आज मुझे एक हीरा दे दे। मगर हीरा नहीं, आज पता चला एक पत्थर मिला। तूने हमारी आशाओं को तोड़ दिया, निरादर कर दिया। सीधे साधे पुत्र की आज खुली रफ्तार और महलों के अंदर मिली फेंटा और कटा। देख अपने पाप की निशानी को, देख ये फेंटा और कटार किसका है? ये महिला में कैसे पूछी किसका है? मेरा है पिताजी। तेरा है ना? तूने हमारी आंसुओं को तोड़ दिया, निरादर कर दिया। आस तुझसे थी बड़ी, तेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी, तूने हमारी आशाओं को तोड़ दिया, निरादर कर दिया। आस तुझसे थी बड़ी, सारे कुटुंब परिवार तूने हकीकत आज इस
और माँ में कोई फर्क होता है? नहीं। मौसी माँ में बताओ और क्या फर्क होता बेशरम, कि चढ़ कर जिसकी सेज ऊपर और तूने इज्जत खाई। नहीं पिताजी, और गौर से सुन लीजिए, और गौर से सुन लीजिए, एक अर्ज पर खुदा बरखुरदार की, और फिर सजा दे दीजिए, और फिर सजा दे दीजिए, वशोक मुझको दार की। महलों में कैसे पहुंची? ले गई बांधी बुलाकर गुलशन से, सुनिए पिता, और शर्म शर्म कहने में लगे मौसी ने जो गुफ़ता। पिताजी, फूट जाए मेरी दोनों आंखें, देखा हो मौसी को बदग नजर। मौसी, पिताजी, फूट जाए मेरी दोनों आंखें, मौसी को देख के बदबू नजर, और छोड़ दो या दोस्त मर्जी पिताजी आप। मालिक साहब, लाल दीवान मास्टर जी साहब, दोनों कलाकारों को ये 11-11 रुपए देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और छोड़ दो या दोस्त जा मर्जी पिताजी। इसको बांध लो। और कान खोल कर सुन लो, इसकी फांसी दिन निकलने से पहले
आम चौराहे पर लगना चाहिए ताकि दुनिया वाले देख लेंगे बाप ने बेटे के साथ कोई रिहाई नहीं की। इसके नैन और कलेजा निकाल के हमारी छोटी महारानी के तलु में ले जाए, इसकी लाश को जेरे में फेंक दी जाए। ठीक है महाराज, जो आ गया। क्योंकि देखना ना चाहता मैं सकले ऐसे पर को मिलना चाहता हो मिलवा देना। ठीक है महाराज, जो आज्ञा आपकी। प्रभु का नाम लेना चाहता हो तो प्रभु का नाम ले ले। इसके बाद फांसी दिन निकलने से पहले फांसी हो जाएगी। ठीक महाराज, दिन निकलने से पहले फांसी हो जाएगी। भैया पुराण पिताजी, बस आखिरी आदत और पिताजी लीजे जो कुछ कहता हो मेरी माफ मुझे कर दीजे। हे राव मैया से मिलवाना और इसी जगह पर फांसी मुझको दिलवाना। ये नौटंकी रणनियों ने बदनाम कर दी है। नौटंकी एक साहित्य है, इसमें शिक्षा मिलती है। और जो आजकल अपने बुंदेलखंड में अपने खास तौर अपने लुधियान में रणनियों ने नौटंकी के नाम से बदनाम कर दिया है, नौटंकी एक शिक्षा है, एक साहित्य है। और आप लोग नौटंकी के नाम जहां नौटंकी इसे नौटंकी कहते हैं, लोग बागों ने उसे नौटंकी बना लिया जो ढिच्चर ढिच्चर करके चले जाते हैं, वो नौटंकी नहीं है। नौटंकी इसे कहते हैं। जाओ ले जाओ उसको और फांसी दे दो। बस एक अर्जी पिताजी तुम नहीं भुलाना, तकलीफ टा तसरीफ आप भी लाना। कुछ रहे, इसकी फांसी दे दी जाए। खड़े हो जाओ। जी महाराज, जी महाराज। फांसी दे दो। देखिए, ये तमाशा अभी आपने देखा, नौ रसों से भरा हुआ ये होती है नौटंकी। इधर चूंकि सुबह के 5 बजने को है, तमाशा बहुत बड़ा है। और तमाशा का आखिरी सीन आप लोग देखेंगे, आशा करते हैं कि आपको आनंद आएगा। इधर महारानी फूलंदी के कहने पर महाराज संतपति ने अपने प्रिय पुत्र भक्त पूरनमल को फांसी दिलवा दी। और उधर तीर्थ यात्रा से लौट रहे गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य ओगड़नाथ रास्ते में चले आ रहे हैं और सीधे पंजाब प्रांत महाराज संतपति के यहां पहुंच रहे हैं। और अपने प्रिय शिष्य पूरनमल के यहां जाना चाहते हैं। अब आगे देखें होता क्या है।
बेटा अमरनाथ कहिए गुरुजी। भजन सुनाओ भजन बेटा। भजन? हाँ अच्छा सा भजन सुनाओ। भजन कहाँ से सुना या भूखे है? अरे देखो भूखे भजन ना होए गोपाला, ले रहो अपनो कंठी माला। बेटा एक भजन सुनाओ, आगे बस्ती है वहाँ आटा दाल चावल सब मिलेगा, वहाँ चिक्कड़ बनेंगे फिर भोजन होगा, पहले भजन सुनाओ। ठीक है महाराज, आसन ग्रहण करें। और मीठो लगे मोरे भाई, और मीठो लगे मोरे भाई रे प्रभु को रस, मीठो लगे मोरे भाई रे प्रभु, मीठो लगे मोरे भाई हो, मीठो लगे मोरे भाई रे प्रभु को रस, मीठो लगे मोरे भाई। और सुआ पढ़ा पतगढ़ का तर गई मीराबाई, सुआ पढ़ा पतगढ़ का तर गई मीराबाई, और अजामिल से पापी तर गए हो, अजामिल से पापी तर गए, तर गए सदन कसाई रे प्रभु को रस, मीठो लगे मोरे लक्कड़ का मोजा पाए रहा थे तो मोजा पाए रहे। गुरुजी क्या हो गया? बढ़िया जुगाड़ है, जुगाड़ है बढ़िया। यो डलो लक्कड़, फाड़ो चलो मैं गांव से मंगाऊ दो आटा। हाँ जाओ बेटा, लगे टिक्कड़ बाद में हो, एक फाड़ो। कहिए बच्चे क्या बात है अमरनाथ? गुरुजी बहुत जुलम हो गया। क्या हो गया? देखे अपन लक्कड़ सब जानते ना, वो लक्कड़ नहीं है। कौन है वो? कोई फक्कड़ है। कौन है भैया? सुनो महाराज, कि मेल पहचान और सूरत लई है बहु, और तू चिलाना कोई अब ये मारा गया, कि खास चेला तुम्हारा ये है पूरन मल, और मौत के घाट अब ये उतारा गया जी। खास चेला, खास चेला और
इन्हें जिंदा करो। अरे देखो ओगलनाथ, ये संसार सागर है, कोई आता है कोई जाता है। अरे चलो आगे कर, चलो भैया। नहीं आगे तो अब जब ही बढ़े जब इन्हें जिंदा कर ले। अरे भैया जो मर गया वो जिंदा नहीं होता, इले जिंदा करो। अरे भैया ओगलनाथ नहीं होगा। नहीं कर रहे, जिंदा नहीं कर रहे। अरे नहीं होगा ओगलनाथ, नहीं कर रहे जिंदा, तो फिर हम मर रहे। अरे रुको रुको, अरे जिंदा करो। नंबर एक हम मर रहे तो, नंबर दो, अरे रुको ओगलनाथ, नंबर ढाई मैं जिंदा कर रहा हूँ, जिंदा कर रहा हूँ। पौने तीन, नहीं नहीं मैं जिंदा कर रहा हूँ। जिंदा करो, नहीं हम डायरेक्ट थप्पी दे रहे हैं। जिंदा करो, छोड़े पहले जिंदा करो। यार का कर लो ते जीव काया था तोल लो, चुनाटू में हाथ घुसेड़ लो, चूना लेने तो मुंह से मांग ले। गोल गोल लग रहा हो यार, नहीं यार पूरन भैया पूरन, हमें ओगलनाथ, अपन संग गुरु जी के रहे करते, हाँ हाँ। तुमने हमें पहचान नहीं पाओ, मैं देख नहीं सकता मेरे दोस्त, आखी नंगे यही से खतू लगे। चिंता नहीं करो, अब मैं आगो गुरु जी। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे हो क्या गया बता दे, घाटी काट डाल। अरे बात तो बताओ ओगलनाथ, इनकी आंखें नंगा, इनकी आंख देखो, तुमने कहा था जीवित कर दो, मैंने जीवित कर दिया, अब आग कहां से लाऊं, आग नहीं है। तुम अपनी ने कालो इन्हें लगा, तुम्हें हम टट्टी हम हवाले आए कर। अरे ओगलनाथ इनकी आंख ही ने कालो नहीं, हम थप्पी, अरे भाई हम थप्पी दे रहे भाई। ओगलनाथ अबे दे रहे, हां रुको रुको, हां रुको रुको, नंबर रुको, हम दे रहे थप्पी अबे। अरे रुको ओगलनाथ, आंख ही ने, तुम अपनी ने कालो, तुम टट्टी हवाले आए कर। अरे नहीं ओगलनाथ, अलग देख दुनिया की झलक, मेरे दोस्त ये ना पूछो, मेरी मौसी जो पिताजी नया डोला जीत के लाए हैं, वो मुझसे बहुत बड़ा पाप करना चाहती थी। कौन सा पाप? घोर पाप। हाँ गुरुजी ने सब कुछ सिखाओ, लेकिन हमें घोर पाप नहीं सिखाओ, तुम्हें एक चीज ज्यादा सिखाई, हमें कम, तुम्हें तो ही खड़े रहो गुरुजी। ये बताओ ये घोर पाप क्या होता है? ओगलनाथ ये गंदी बात है, घोर पाप गंदी, गंदी बात है, है? घोर पाप। लेकिन ये घोर पाप होता क्या है महाराज? ओगलनाथ अगर तुम घोर पाप हमें नहीं बता रहे, तुमने पूरन भैया के एक चीज अग्नि से कही। नहीं ओगलनाथ पाप नहीं, बच्चा तुमने उन्हें घोर पाप सिखाओ, हमें नहीं।